सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि सभी लोग का कमेंट आना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा कमेंट जो है आना शुरू हो चुका है, यानी कि मैंने सुबह से ही लगभग लगभग 10 कमेंट देखा। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखना है, पहला इंस्ट्रक्शन आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पीडीएफ दिया जा रहा है, तो उसे भी जाके ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम्स के लिए फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग का यही टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है। पहला चीज़ मतलब कि सर, एडमिट कार्ड कब आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि सभी लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे तो लगता है उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो लोग मतलब पहली बार फॉर्म भरे हैं, मान लीजिए कि जिसने 10th पास किया, ठीक है, समझिएगा थोड़ा बात को, तो कमेंट उन्हीं का आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो लोगों ने पहली बार 10th तो पास कर लिया, और उनको लगता है कि पता नहीं इस बार एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, उनको मतलब विश्वास नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है जो, क्योंकि अब मान लीजिए जिनका 2 बार 3 बार एडमिट कार्ड आ चुका है, वो तो पूरा एकदम आराम से अपना स्टडी पर फोकस रखे होंगे, लेकिन डाउट उनको आ रहा होगा कि जो लोग 10th मतलब पास करके और पास करने के बाद उन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आ रहा है, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि डाउट उन्हीं को आएगा और किसी को नहीं आएगा। तो भाई आप समझ लो, जिनका भी डाउट आ रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो सिंपल से अपने माइंड में ये बैठा लो कि एडमिट कार्ड जो है सभी लोग का आएगा। ऐसा चीज़ नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, मतलब ऐसा भी चीज़ नहीं कि 50% 60% 80% 90% मार्क्स होगा तभी आप लोग का आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, सब लोग के लिए सिंपल है, सब लोग के लिए बराबर है। जिन्होंने फी पेमेंट किया या फिर SC ST कैंडिडेट है जो, उन्होंने तो मतलब पेमेंट भी नहीं किया है, तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, सभी लोग के आएगा। मतलब ये सब नियम सबके लिए बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ आपको पूरा केयरफुली आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि एडमिट कार्ड का जो टेंशन है आप लोग का बिल्कुल हटा दो माइंड से। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी फोकस करो, क्योंकि सभी लोग का एडमिट कार्ड आएगा। थोड़ा सा वेट करो, जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ही दूंगा, क्योंकि आप लोग इतना परेशान कर देते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पे भी। मैंने देखा भाई एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड, अरे एडमिट कार्ड आएगा सर, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा अपने अंदर जो मतलब ये मत रखो कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आएगा सभी का आएगा। जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, पेमेंट किया है ना, बस आप शांत रहो। आप क्यों नहीं, मतलब आपका नाम ही गलती हो, डेट ऑफ बर्थ गलती हो, माता का नाम गलती हो, एड्रेस गलती, इससे कोई लेन देन नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा 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 100% रियल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक। देखिए भाई, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि आजकल तो आपको ही पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। ठीक है, AMR में और Y ग्रुप में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि AMR में क्यों, क्योंकि 10th लेवल पर मतलब है जॉब, और पास करो 10th, उसके बाद भाई फॉर्म भर दो। उम्र भी मुझे लगता है कि जो लोग 10th पास कर देते हैं उसके बाद किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं मिलता है, लक है, लेकिन बहुत सारे लोग का मिल ही जाता है। तो मान लीजिए जिन्होंने 10th पास किया उनका मौका मिल गया, फॉर्म भर दिया, तो कंपटीशन जो है मतलब बढ़ गया, बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि 10th लेवल पर ही, और 10th लेवल इंडिया में कितने हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया भर्ती जो होती है। अब हम बात करते हैं वाई ग्रुप के, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो जो भी लोग 12th पास किए हैं तो यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप साइंस हैं, साइंस नहीं किए हैं तब आप नहीं भर पाएंगे, नहीं, आप आर्ट्स भी किए हैं ना, कॉमर्स भी किए हैं ना, तो आप वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखना। इसलिए दो चीज़ में सबसे ज़्यादा है, एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी AMR में सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है जो कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा है, मतलब कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पढ़ाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट आपको करवाता हूँ उसको केयरफुली आराम से एक एक क्वेश्चंस को, एक एक मतलब प्रश्न को केयरफुली करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप समझते हैं कि हम सिर्फ वैसे ही इधर उधर IPL और T20 देख के अपना काम कर लेंगे, तो भैया आज के डेट में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जो हम बता रहे हैं आपके लिए सारा इम्पोर्टेंट ही है। तो एक और चीज़ आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑल क्लियर कर दूँ कि देखिए, दो चीज़ हम लोग का टॉपिक ख़त्म हो गया कि आप लोग का एडमिट कार्ड जब भी आएगा हम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे,
और दूसरा हम लोग का ये है कि भाई जिनको भी जो डाउट है आप कमेंट मत कीजिए, सब लोग का आएगा, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। अब देखिए कि प्लेलिस्ट में वीडियो है हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं बहुत सारे, मतलब पिछले साल का भी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपल से जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सिंपल से वहाँ पे सब चीज़ सवाल डाले गए हैं। अगर हम वही सवाल बार बार रिपीट करवाते हैं आपको तो मज़ा नहीं आएगा आपको भी, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते नहीं है ना, तब मैं मुझे क्या करना होता है कि भाई पिछले साल का वीडियो फिर बनाना पड़ता है, दिक्कत ये होता है। और किसी किसी बच्चे का उसमें कमेंट आ जाएगा कि सर आपने ये सवाल करवा चुके हैं। अरे भैया, अगर आप 100 बच्चे हमारे साथ इस बार नए जुड़े और 100 बच्चे जो पिछले साल गए, वो तो अब पता नहीं देखेंगे कि नहीं, तो मुझे तो विश्वास है नहीं उन पे, क्योंकि वो तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि देखते होंगे, कोई भी नहीं देखते होंगे, ऐसा भी होता है ना। तो अब मान लीजिए कि जो बच्चा मतलब पिछली बार का था तो उन्होंने तो एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, याद हो गया, लेकिन इस बार का जो बच्चा था अगर हम फिर से उसको रिपीट नहीं करते हैं तो बच्चा पता नहीं प्लेलिस्ट में जाके देखेगा या नहीं देखेगा, तो घाटा किनका होगा, उनका होगा। और रिस्पॉन्स किसका है, मेरा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको जैसे भी हो सके रटवा सकूँ, पढ़ा सकूँ प्लेलिस्ट के द्वारा, या फिर जैसे भी हो सके मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आप सिंपल से, मैं फिर से बोलता हूँ कि जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जाके प्लेलिस्ट को पढ़ लेना है पूरा अच्छे से, और जो भी मैं सवाल करवाता हूँ उसको अच्छे से करना होगा। और जो लोग भी लगता है कि सर 2 बार सवाल को करवा दें कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस पॉइंट में चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। मान लीजिए कि मैंने पढ़ा दिया कि राम राम खाते हैं 2 बार, तो क्या हो गया, आप प्लस पॉइंट में चल रहे हैं, दिक्कत क्या है। कोई ऐसा चीज़ थोड़ी ना है कि वो अगर आप 2 बार याद करेंगे तो घट जाएगा, ऐसा चीज़ तो नहीं है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये इतना लेक्चर आपको बताना था, तो जो भी था आपको मैंने बता दिया, बस इतना ही था आपके लिए। और केयरफुली स्टडी करो, केयरफुली सब चीज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन में ध्यान देना है, और एडमिट कार्ड के चक्कर में अभी आपको नहीं फंसना, ठीक है। और जो लोग भी बुक के लिए मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, तो एक्चुअली में से अभी मतलब हम लोग का वो चल रहा है ना, फुल चल रहा है, तो हम लोग तो मतलब कि हम तो उसको क्रॉस ही कर दिए, व्हाट्सएप जो ग्रुप है हम उसको, मतलब उससे मुझे कोई लेन देन रहता, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहाँ पे मैं PDF दे दूंगा। और जो लोग भी बुक के लिए मुझे परेशान करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बुक का, आप जाके वहाँ से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी जो सवाल है ना बुक का, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, आप एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो, इस पे बहुत सारे मैंने रिव्यू दिए हैं बुक का, एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद परचेज कीजिएगा। जनरल जो अवेयरनेस का जो हमारा बुक है, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में उपस्थित है, और अगर हम बात करें जनरल साइंस की तो सिर्फ है हिंदी मीडियम में, तो अभी 2-4-5 दिन में इंग्लिश मीडियम कर दिया जाएगा, यानी बोथ कर दिया जाएगा। तो दोनों बुक को आप परचेज कर सकते हैं, और जो हमारी नई करंट अफेयर्स की जो आएगी PDF, उसको फ्री में दिया जाएगा। तो इसलिए जाके आप लोग फटाफट बुक को परचेज़ करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ज़्यादा फालतू के टाइम वेस्ट मत करो। और यही चीज़ आपके लिए मैंने सोचा कि बता देते हैं यार, क्योंकि आप लोग का कमेंट आ रहा था, तो ये मत फिर बोलिएगा कि सर अब एडमिट कार्ड किस दिन को आएगा, जब भी आएगा हम आपको बताएंगे ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आएगा हम आपको बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुनना होगा उस दिन, जिसका भी आए, जैसे भी आए, सबका आएगा, बस देख लेना आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, कैसे, जो भी है जैसे है उस दिन हम आपको पूरा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट बनते हैं या फिर कहीं पे भी डाउट बनते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि देखिए कि जितना भी हो सके प्रैक्टिस सेट लगा लो, वो आपके लिए बेस्ट ही रहेगा, ठीक है। और आपको क्या बताना है, अब तो कुछ बताना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन तो करना ज़रूरी है, और जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखो, बहुत ही मज़ेदार वहाँ पे प्रश्न डाले गए हैं। और एयरफोर्स का भी प्रिपरेशन मैंने सोच रहा हूँ कि कल से स्टार्ट कर देता हूँ, तो जो लोग भी अगर एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं तो वो लोग कमेंट कर देना IAM एयरफोर्स या फिर IAM प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, आप इस टाइप से कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि हमारे चैनल पर कितने एयरफोर्स के कैंडिडेट है और कितने इंडियन नेवी के कैंडिडेट है, ठीक है। तो आप एक बार जाके मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो लोग भी अगर इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करना, या जो लोग इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि देखिए अभी इंस्टाग्राम पे पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है, जाके ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक दिन के जो पीडीएफ होते हैं आज से अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जाके वहाँ पे जो भी मतलब सवाल होता है आज का, तो वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। हो सकता है तो आज 10 बजे रात से हम लोग का जो है वो वहाँ पे अपडेट करेंगे लोग, तो आप जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखना ज़रूरी होता है। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आ रहा था, ठीक है। तो बस ये छोटा सा आपको बताना था, आपने समझ गया होगा कि कैसे करना हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम दो बुक का है, सब चीज़ का है, अपने एक अनुसार एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।